हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद आर सेम चैप्टर, दैट इज़ इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। हमने क्या रीड किया कि इवेंट्स का पेपर स्टार्ट हो चुका है और जो सुपरवाइज़र मैक्लियरी आया वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो गवर्नर अपने माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहा है। लेट्स कम टू इट, पेज नंबर 79। हियर मैक्लियरी गेव हिम इंस्ट्रक्शन एज टू मेक करेक्शन ऑफ फोर्थ वर्ड इन 15 लाइन। अब कुछ करेक्शंस बताई गई हैं कि 15 लाइन में फोर्थ वर्ड की करेक्शन कर लो। The governor listened and smiled because he had taken German as a language when he was in 6th class. अब जब गवर्नर ने यह सारी सुनी तो उसे स्माइल आ गई क्योंकि उसने 6th class में जर्मन पढ़ी हुई थी। He remembered about the adjectives and so did McCleary. अब उसे याद आया कि ये टॉपिक तो मैंने भी पढ़ा हुआ और उसे McCleary भी याद आ गया। The minister's pronunciation of the word sounded very impressive. The minister's pronunciation of the word sounded very impressive to the governor. अब जो मैक्लियरी के बोलने का तरीका था वो गवर्नर को बहुत इम्प्रेसिव लगा। बट ही थॉट देयर वर लेस चांसेस ऑफ इवान बींग अवेयर ऑफ द एडजेक्टिव। बट गवर्नर को लगा कि शायद इवान्स को एडजेक्टिव्स की नॉलेज नहीं होगी। मीनवाइल ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। अब इतने में उसे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से कॉल आई। There was a need of a prison man and some officer as there was a remand case. कि उन्हें एक prison man और कुछ officers की requirement थी कि एक remand पे किसी prisoner को लेकर जाना था। Within the next 2 minutes the governor thought it to be a fake call. अब फिर दोबारा governor के mind में आया कि कहीं ये fake call तो नहीं है। But then he thought that he was thinking too much. लेकिन उसके माइंड में आया कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, नहीं मैजिस्ट्रेट की कॉल है तो ये तो फेक हो ही नहीं सकती। हिज इमेजिनेशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मीन्स वो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल सोच रहा था। फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स स्टीफन्स हैड लुक्ड इनटू द सेल थ्रू द पीप होल आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 1 मिनट। अब जो स्टीफन था वो लॉक से बाहर खड़ा था, लॉकअप से, तो पहले 15 मिनट तो वो हर एक एक मिनट बाद पीप होल से, मीन्स जो छेद होता है डोर में, उसके अंदर से झांक रहा था कि सब ओके है। एट 10:45 एवरीथिंग सीम नॉर्मल व्हेन ही लुक थ्रू द होल। अब 10:45 पे जब उसने होल के अंदर से देखा तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा। देर वॉज नो डिफरेंस एंड इट रिमेन्ड द सेम एज ऑलवेज। कहता है जैसे वो सब कुछ ओके था। इवेंस वॉज ऑलवेज च्यूइंग हिज पेन एंड लुकिंग एट द फ्रंट। अब इवेंस क्या कर रहा था, जैसे कि जब हम सोचते हैं कई बार पेन मुंह में डाल देते हैं ना, वो कर रहा था और दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैक्लियरी ऑलवेज सीटेड ऑन हिज चेयर अ बिट टिल्टेड ऑन वन साइड विद हिज फेस पार्शली टर्न्ड। और जो मैक्लियरी था वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और उसका साइड फेस दिख रहा था, कंप्लीट फेस नहीं दिख रहा था और वो थोड़ा सा झुका हुआ था। स्टीफन्स हैड नोटिस्ड हिम अर्लियर दैट हिज हेयर वॉज कट वेरी शॉर्ट नियर द स्कैल्प। अब स्टीफन ने क्या नोटिस किया कि उसके हेयर ना बहुत छोटे छोटे कट हैं। He was reading the Church Times through his spectacles and his first finger was under his collar. अब उसने क्या नोटिस किया कि जो मैक्लियरी है वो अपनी चर्च टाइम पढ़ रहा है स्पेक्टेकल्स लगाकर और उसकी फर्स्ट फिंगर उसके कॉलर के नीचे है। द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड वर नाइसली मैनिक्योर्ड। और जो दूसरे हैंड की फिंगर्स है मैनिक्योर्ड, मीन्स उसके नेल्स की शेप बड़ी अच्छी थी। ही वॉज सॉफ्टली टचिंग हिज ब्लैक बियर्ड। और वो अपनी ब्लैक बियर्ड को टच कर रहा था। At 10:50, the phone rang and after a while, the governor found that he had almost forgotten about Evans. अब 10:50 पे जब फ़ोन बजा तो गवर्नर को याद आया कि वो तो Evans के बारे में भूल ही गया। He then heard Evans seeking permission from the supervisor to wrap a blanket around his shoulder. तो जब उसने माइक्रोफोन का रिसीवर उठाया, उसने क्या सुना कि जो Evans है वो सुपरवाइज़र से परमिशन ले रहा है कि वो अपने शोल्डर्स पे ब्लैंकेट कवर कर ले। एज ही वॉज फीलिंग कोल्ड देयर, कि उसे वहाँ ठंड लग रही है, तो मैक्लियरी अलाउड हिम, मैक्लियरी ने उसे अलाउड कर दिया। एट 10:51 स्टीफन ओपन द पीप होल एंड वॉज सरप्राइज टू सी वैन सिटिंग विद अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स। अब 10:51 पे जब स्टीफन ने पीप होल के अंदर से देखा तो उसने क्या हैरान हो गया कि इवेंस के शोल्डर पे ब्लैंकेट है। इट सीम स्ट्रेंज टू हिम एंड ही इवन थॉट ऑफ रिपोर्टिंग जैक्सन फॉर दिस न्यू चेंज ही हैड नोटिस्ड। अब जो स्टीफन था वो हैरान हो गया
और उसने सोचा मैं ना जाके जैक्सन को रिपोर्ट कर देता हूँ कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। ही अगेन लुक्ड एट हिम एंड नोटिस दैट इवेंस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट क्लोज टू हिमसेल्फ। अब उसने दोबारा देखा तो उसने क्या नोटिस किया कि इवेंस ने ब्लैंकेट को और टाइटली रैप कर लिया। नाउ स्टीफन्स वॉज गेटिंग डाउटफुल अबाउट इवेंस। अब स्टीफन को और ज़्यादा डाउट हो गया इवेंस के बारे में। ही इवन थॉट दैट ही कुड हार्म मैक्लेरी बाय सफोकेटिंग हिम विद हिज ब्लैंकेट। अब उसके माइंड में एक बात ये भी आई कि कहीं ये ब्लैंकेट को यूज़ करके मैक्लेरी को गला ना दबा दे। बट देन ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही शुड नॉट बिहेव सो फुलिश एज देर इज़ नो सन ऑन दिस साइड ऑफ प्रिजन एंड नॉट इवन समर्स। अब वो उसे लगा कि शायद वो बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहा है। इट इज़ नॉर्मल दैट सेल्स गेट चिली। वो कहता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं आती तो वहाँ पे ठंड होगी, इसलिए उसने ब्लैंकेट रैप कर लिया। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू हिज एवरी मिनट चेक थ्रू द पीप होल। तो उसने कहा मैं जैसे अपना चेकअप करता हूँ वैसे ही करूँगा, अंदर पीप होल में से चेक करूँगा। एट 11:20 वंस अगेन द गवर्नर्स फोन रैंग। मीनवाइल मैक्लेरी टोल्ड इवेंस दैट ओनली 5 मिनट्स वर लेफ्ट फॉर द एग्जाम। अब 11:20 पे गवर्नर का फिर दोबारा फ़ोन रिंग हुआ और इतने में मैक्लेरी ने इवेंस को क्या कहा कि 5 मिनट रह गए हैं। गवर्नर वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट समथिंग बट ही वेंट टू रिसीव द कॉल। अब गवर्नर को कुछ डाउट हुआ लेकिन वो कॉल अटेंड करने चला गया। एट 11:22 जैक्सन शाउटेड टू स्टीफन्स एज द गवर्नर वॉन्टेड टू टॉक टू हिम। अब 11:22 पर जैक्सन ने स्टीफन को शाउट किया कि गवर्नर स्टीफन से बात करना चाहते हैं। ही रैन अप एंड लिसन्ड केयरफुली टू ईच एंड एवरीथिंग ऑर्डर टू हिम। अब वो भाग के गया और उसने जो भी उसे ऑर्डर किया गया उसे सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनी। इट वॉज हिज ड्यूटी टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन गेट ऑफ द प्रिजन। क्या थी उसकी ड्यूटी कि मैक्लेरी को गेट तक छोड़ के आना। स्टीफन हैड टू बी फुली एश्योर्ड अबाउट इवेंस सेल बींग प्रॉपरली लॉक्ड वैन मैक्लेरी लीव्स इट। और स्टीफन को ये भी चेक करना था कि जब मैक्लेरी वहाँ से जाता है उसके लॉकअप में से इवेंस के, तो वो प्रॉपरली लॉक होना चाहिए। एट 11:25 द गवर्नर हर्ड द फाइनल टॉक्स बिटवीन इवेंस एंड मैक्लेरी। अब 11:25 पर गवर्नर ने मैक्लेरी और इवेंस के बीच की लास्ट की फाइनल टॉक सुनी। क्या था वो? मैक्लेरी आस्क इवेंस टू स्टॉप राइटिंग। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू अरेंज हिज शीट्स इन ऑर्डर। देन द साउंड ऑफ मूवमेंट ऑफ चेयर्स वॉज हर्ड। अब उसने क्या सुना कि मैक्लेरी उसे स्टॉप राइटिंग बोल रहा है, फिर उसने कहा शीट्स को प्रॉपर अरेंज कर लो, फिर चेयर्स के हिलने की साउंड आई। इवेंस सेड थैंक यू टू मैक्लेरी। ही क्वेरीड एज टू हाउ हिज एग्जाम वॉज। अब इवेंस ने एक मैक्लेरी को थैंक्स किया और मैक्लेरी ने उससे पूछा कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। इवेंस रिप्लाइड दैट इट वॉज नॉट टू बैड। इवेंस ने रिप्लाई किया कि ज़्यादा बुरा नहीं था, मतलब ठीक ठीक था। ही देन कॉल्ड मिस्टर स्टीफन्स। फिर उसने स्टीफन्स को बुलाया। द गवर्नर हर्ड द फाइनल शटिंग डाउन ऑफ द डोर। अब गवर्नर अपने ऑफिस में बैठे बैठे माइक्रोफोन के थ्रू जो फाइनल डोर को बंद होने की आवाज़ सुनी उसने। द एग्ज़ाम वॉज ओवर। स्टीफन आस्क्ड मैक्लेरी डिड इवेंस एग्ज़ाम गो वेल। अब स्टीफन ने मैक्लेरी से पूछा कि इवेंस का पेपर अच्छा हुआ। मैक्लेरी सेड ही डिडंट थिंक सो। मैक्लेरी ने कहा मुझे नहीं लगता। हिज स्कॉटिश एक्सेंट सीम्ड अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। मोर ओवर हिज ओवरकोट वॉज नाउ रीचिंग क्लोज टू हिज नीज लीडिंग टू द इमेजिनेशन दैट ही हैड सडनली टर्न स्लिम। अब वो कहते हैं कि मैक्लेरी का जो बोलने का स्टाइल था वो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट हो गया जो स्टीफन ऑब्जर्व कर रहा है, और जो उसका ओवरकोट था वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, जैसे वो पतला हो गया वो पहले से। स्टीफन्स वॉज हैप्पी एज द गवर्नर चूज हिम ओवर जैक्सन टू अकंपनी मैक्लेरी ऑफ द प्रीमिसेस। अब स्टीफन को हैप्पीनेस फील हुई कि गवर्नर ने जैक्सन को छोड़ के मुझे चुना है कि मैं मैक्लेरी को गेट तक सी ऑफ करके आऊँ। एवरीथिंग वॉज डन फाइन दिस डे। सब कुछ होके जा रहा था। ही थॉट ही स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू कैंटीन फॉर एन ओवर ड्यू कप ऑफ कॉफ़ी। अब उसने मैक्लेरी को
कैंटीन जाने से भी रोका कप कॉफ़ी के लिए. ही वॉन्टेड टू सी इवेंस फॉर वन लास्ट टाइम. अब स्टीफन जाते जाते इवेंस को लास्ट टाइम देखना चाहता था. इट सीम टू हिम लाइक अ टीवी प्रोग्राम इन विच द लेडी इज नेवर श्योर ऑफ लॉकिंग द डोर बिफोर गोइंग टू बेड एंड शी वुड गेट अप 12, 15 और इवन 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट्स. कहते उसकी हालत वैसी थी जैसे एक लेडी होती है जो सोते हुए कि उसने ताला लगाया या नहीं लगाया इस बारे में श्योरिटी नहीं थी और वो हर 10-15 मिनट बाद उठ के चेक कर रही थी. स्टीफन अगेन एंटर्ड इन टू द डी विंग एंड ही वंस अगेन ओपन द पीप होल ऑफ इवेंस सेल. अब जाते जाते स्टीफन ने दोबारा डी विंग का डोर ओपन किया और पीप होल में से चेक किया इवेंस को. व्हेन ही लुक्ड इनसाइड थ्रू ही क्राइड ओ क्राइस्ट एज ही वॉज शॉक्ड टू सी द सिचुएशन इनसाइड. अब जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसके मुँह से निकला ओ क्राइस्ट मीन्स ओ गॉड. क्यों? जो उसने अंदर सीन देखा दैट वॉज टेरिबल. क्या था उसने? फॉर फ्यू सेकेंड्स ही थॉट इट वॉज स्टीफन्स ऑन हिज चेयर बट इट वॉज नॉट सो. सॉरी, फॉर फ्यू सेकेंड्स ही थॉट इट वॉज इवेंस ऑन हिज चेयर बट इट वॉज नॉट सो. अब उसे लगा कि चेयर पर इवेंस बैठा बट वो ऐसा नहीं था. द चर्च मैन वॉज लाइंग बैक. वहाँ पर चर्च मैन बैठा हुआ था जो मैक्लियरी आया था. His hair was soaked in blood. उसका जो बाल थे उसमें ब्लड लगा हुआ था. The blood was flowing down horribly from his beard to his collar and then on his black overcoat. अब जो ब्लड था वो उसकी बियर्ड से होते हुए उसकी गर्दन पे आते हुए उसके ओवरकोट पे आ रहा था. Stephen shouted for Jackson so loudly that even McLeary, whose ear was filled with blood, was able to hear. अब स्टीफन ने चिल्लाकर इतना तेज चिल्लाकर जैक्सन को बुलाया कि जो वहाँ पर मैक्लेरी इंजर्ड था उसे भी उसकी आवाज़ सुनाई दी. द चर्च मैन वॉज वीकली सर्चिंग फॉर द हैंकी टू स्टॉप द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हिज हेड. अब जो चर्च मैन था जो वहाँ मैक्लेरी बैठा था वो बहुत मुश्किल से इधर उधर कोई हैंकी ढूंढ रहा था ताकि वो ब्लड को रोक सके. द हैंकी गॉट सोक्ड इन द ब्लड. कहते इतना ब्लड था कि वो हैंकी उसमें सोक हो गया. He cried out of pain. अब जो McLeary था वो दर्द से चिल्ला पड़ा. He tried to speak but couldn't do so. उसने बोलने की कोशिश की बट उससे बोला नहीं गया. By the time Jackson came and ordered Stephens to call the police and ambulance. अब इतने में Jackson भी आ गया और उसने Stephen को क्या कहा कि पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करो. The hanky got fully soaked in blood and now it was making a soft sucking sound when pressure was applied to it. कहते जो हैंकी था वो कम्प्लीटली ब्लड में सोक हो चुका था और उसमें से अब साउंड आ रही थी जब अगर हम उसे प्रेस करते. McLeary raised himself and tells them that they should not worry about him as he is fine. अब McLeary ने अपने आप को उठाया और उसने जैक्सन और स्टीफन्स को कहा कि मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ. He asked for the governor as he knew where Evans had gone. अब उसने कहा मुझे गवर्नर से मिलना है क्योंकि उसे पता है कि इवेंस कहाँ गया है. द ब्लड वॉज स्प्लैशिंग डाउन फ्रॉम हिज हेड वाइल ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू पिक अप द जर्मन क्वेश्चन पेपर. अब उसके सिर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी जबकि वो जर्मन क्वेश्चन पेपर उठा रहा था. ऑल ऑफ अ सडन देर वॉज मैसिव साउंड ऑफ साइरेंस. एकदम साइरेंस बजने लगे जैसे कोई प्रिजनर जेल से कोई कैदी भागते तो साइरन बजते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर स्टार्ट हो गई. Officers were giving away orders, doors were being opened and shut and the phones were ringing. Officers orders दे रहे थे, doors खुल रहे थे बंद हो रहे थे और phones में ringing हो रही थी. Stephens and Jackson supported McLeary to the governor's office. अब Stephen और Jackson ने support करके सहारा देकर McLeary को governor के office में लेकर गए. His face was coated with dry blood when he was greeted by the governor at the prison yard. अब प्रिजन यार्ड में ही गवर्नर उसे मिल गए और उसने जब चेक किया McLeary को तो उसके फेस पे ब्लड जो था वो सूख चुका था. द गवर्नर लुक्ड पज़ल्ड. अब गवर्नर जो था वो पज़ल हो गया कि हो क्या रहा है. द गवर्नर वांटेड टू टेक McLeary टू द हॉस्पिटल. अब गवर्नर ने कहा कि McLeary को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं बट ही इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग द पुलिस. लेकिन McLeary ने क्या कहा कि नहीं पुलिस को बुलाओ.
ही देन ओपन्ड अप द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड मूव्ड इट टुवर्ड्स द गवर्नर. अब क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, जो जर्मन क्वेश्चन पेपर था वो लेकर आया और वो गवर्नर के सामने ओपन कर दिया. ही वॉन्टेड टू शो समथिंग इम्पॉर्टेंट टू हिम. वो गवर्नर को कुछ इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहता था. द गवर्नर नोटिस दैट अ फोटो कॉपीड शीट वॉज क्लेवरली लेड ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर. अब गवर्नर ने क्या नोटिस किया कि क्वेश्चन पेपर की ब्लैंक स्पेस पर एक फोटो कॉपी शीट बहुत क्लीनली बहुत क्लियरली पेस्ट की गई है. तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मैक्लियरी था उसे इंजर्ड करके इवेंट्स वहाँ से भाग गया. और मैक्लियरी ने क्या कहा कि उसको पता है इवेंट्स कहाँ भाग गया और उसके लिए उसने वो क्वेश्चन पेपर ओपन करके गवर्नर के सामने रखा.